श्री कुबेर राज गो सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा गो सेवा के कार्य कई जिलों व तहसीलों ग्रामीणों में किया जा रहा है। संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कार को लेकर काफी ज्यादा रुचि दिखाई जा रही है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे संगठन ने गोमाता के किए जा रहे अनादर को देखकर ही यह निर्णय लिया है। अब गोमाता का अनादर नहीं होने देंगे। जहां तक संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े व गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को प्रेरित करें कि गोमाता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर इस प्रकार उन्हें जंगल में फेंक कर उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान के साथ में विदा करें। तभी वर्तमान में गो सेवा तो कई हिंदू संगठन द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन श्री कुबेर राज गो सेवा संगठन मध्य प्रदेश ने पूरे विश्व में परचम लहराया है। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा का कहना है कि पूरे देश में गो सेवा तो की जाती है, पर गो माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग चल रही है। आज भी ऐसी घटना होने पर गोवंश दूर दराज के इलाकों में फेंक दी जाती है, फिर उस मृत गोवंश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यह हमारे धर्म की विडंबना है कि हम जीवित रहते गो माता कहते हैं और मरने के बाद उसे जंगल में फिकवा आते हैं। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने व उनकी पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश में कहीं पर भी गोमाता की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जंगलों में फेंकने की बजाय उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा। उन्हें ससम्मान के साथ सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर अंतिम संस्कार का कार्य किया जाएगा। यह निर्णय एक वर्ष पूर्व में लिया गया था, इसका परिणाम अच्छा आया और संगठन के माध्यम से हमने सभी 3,145 गायों का अंतिम संस्कार करवाया, लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया। सभी सनातनियों ने इस कार्य की प्रशंसा की और भरपूर सहयोग किया। आज हमारा संगठन भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो गायों के अंतिम संस्कार को लेकर श्री कुबेर राज गो सेवा संगठन मध्य प्रदेश सक्रिय दिखाई दिया। इसने गोमाता को उसका खोया सम्मान दिलाने के लिए गोमाता को माता के रूप में स्वीकार करते हुए गोमाता का अंतिम संस्कार किया। इसी पुनित कार्य को करने के लिए आगे आए। आज हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों व तहसीलों एवं ग्रामीणों में अपने पदाधिकारियों व सदस्यों से गोमाता को लेकर एक अलग ही मिसाल कायम करते हुए उनके निधन होने पर गोमाता को पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। संगठन हर समय गोमाता के लिए कई प्रकार की सेवा देता है, जैसे 2000 के लगभग रोड एक्सीडेंट होने पर गायों को इलाज करवा चुका है, उन्हें मोक्ष मिल सके इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने शिप्रा तट पर तर्पण कर गोमाता की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। इस मौके पर उपस्थित रहे प्रदेश प्रवक्ता आचार्य गुरु धर्मेंद्र महाराज, इंदौर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, संगठन सहयोगी दिनेश जाट, जिला महामंत्री अनिल चौहान, सचिन प्रजापत, गोसेवक देवा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिसोदिया, संदीप चौधरी, मुकेश सिसोदिया, दीपक दायमा, सोदान सिसोदिया, राहुल दायमा, धर्मेंद्र प्रजापत, राजेश चौहान, पिंटू चौहान, निकलेश दायमा, विजय वेदभूषण, रामलखन शर्मा, वेदभूषण पवन शर्मा, दुर्गेश शर्मा, भवर लाल पाटीदार, इनके सहयोग से कार्य हुआ। जी, आज हमारे संस्थान के द्वारा श्री कुबेर राज गो सेवा संगठन के द्वारा जो मृत गाय है, जो गो माता लंपी वायरस के द्वारा ग्रसित होकर के मोक्ष को प्राप्त हो गई है, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए ये श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि आज की है, इसी उपलक्ष्य में गो माता का तर्पण किया हमने ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो, जो कि हमारे संस्था के मार्गदर्शक तेजू बाबा प्रदेश अध्यक्ष, मैं आचार्य गुरु धर्मेश महाराज प्रदेश प्रवक्ता और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में इस कार्य को हमने पूर्ण किया। वैसे तो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारा कार्य चल रहा है और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सदस्यगण उपस्थित हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हमने इंदौर क्षेत्र में ज़्यादा काम करा है। इस साल इंदौर क्षेत्र में एक्सीडेंट हुए, बहुत ज़्यादा गाय मृत हुई है, उनको हमने पुरस्कार करा है और अभी वर्तमान में हमारी इंदौर में केलोदाला ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण होने वाली है जो संस्था की रहेगी। अभी संस्था ने 9 गौशाला गोद ले रखी है जो कई ग्रामीण जन मौजूद है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आज गौ माता के लिए हम कई समय से कार्य करते आ रहे हैं और अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं, उसके लिए आज हमने ये कार्य किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है।